हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आई एम सुमित त्यागी, फैकल्टी ऑफ जीएस एट चहल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस पेपर 4, यूपीएससी मेंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट इन यूपीएससी। जबकि अकेला सब्जेक्ट आपको 250 मार्क्स देता है। जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है इसे पढ़ने का वो काफी ज्यादा है, स्टिल पीपल यूजुअली इग्नोर दिस, एस्पिरेंट्स यूजुअली इग्नोर दिस। जो हम हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज एटीट्यूड। अगर हम एटीट्यूड की बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन टर्म। आपने रैंडम लाइफ में या फिर रैंडम कन्वर्सेशंस में अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग रेस्पेक्टिव्स में इस चीज को सुना होगा, समझा होगा। आप सुनते हैं एटीट्यूड मैटर्स, इसका एटीट्यूड मेरी तरफ ठीक नहीं है, या अपना एटीट्यूड सुधारो। तो ये सब चीजें जो है, कुछ कुछ चीजें इसमें से करेक्टली डिफाइन कर रही हैं एटीट्यूड को, और कुछ क्या है एटीट्यूड की डेफिनेशन पे फिट नहीं बैठती। अगर हम देखें एटीट्यूड की डेफिनेशन, तो व्हाट इट सेज, इट इज अ लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशन। जो हमारी सीखी हुई बातें हैं, जिस चीज के बारे में हमारे पास पहले से नॉलेज है, विच डिटरमाइंस हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट अबाउट एनी सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा रिएक्शन है किसी भी पर्टिकुलर सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा जो सोच है हमारी, या जिस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। ये फेवरेबल भी हो सकती है, ये आप हो सकता है आप किसी चीज को देख के खुश होते हो, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, और कुछ चीज ऐसी हो सकती है जिन चीजों से आप डरते हो, जिनसे दूर भागते हो। तो ये क्या एस्पेक्ट डिसाइड करेगा कि आपका एटीट्यूड किसी चीज के साइड पॉजिटिव है या किसी चीज के साइड नेगेटिव है। अब आपको ये एथिक्स में एटीट्यूड क्यों पढ़ाया जा रहा है, 2013 में इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन। उसके बाद एथिक्स इतनी इंपॉर्टेंस रखता है आज की डेट में, जो अकेले सब्जेक्ट इतने मार्क्स मिले हैं। तो आपको एटीट्यूड क्यों पढ़ना है, आपको क्या बनना है, आपको फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आपको वहां क्या करना है, लोगों को एटीट्यूड को जज करना है, एंड अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेना है, जिससे आपका जहां भी आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसे आप अच्छी तरीके से निभा सकें। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले कोई क्लीनलीनेस एग्जाम या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री एग्जाम चला नहीं था प्रोग्राम। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमने टारगेट किया एटीट्यूड को। गवर्नमेंट का मेन टारगेट था एटीट्यूड को टारगेट करना। जैसे मैक्सिमम लोग जो रूरल एरियाज हैं, वहां एक प्योरिटी प्रिंसिपल चलता है, जिसके अंदर यह है कि जहां वो पूजा कर रहे हैं, जहां भगवान बैठे हैं, उसी एरिना में, उसी एरिया में वो शौच कैसे कर सकते हैं। तो ये उनका एटीट्यूड क्या था, उनका नेगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स डेफिकेशन इन देयर ओन हाउस। अब गवर्नमेंट ने इसे किस तरीके से टारगेट किया, गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज को लाया उन्हें परसुएड करने के लिए, और उनसे ऐसी बातें बोलवाई जिससे उनका जो एटीट्यूड है वो उसकी तरफ थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि उन्होंने किस चीज को टारगेट किया, उनके एटीट्यूड को। जैसे कि उन्होंने किस तरीके से बोला कि अगर आपके घर की औरतें घर से बाहर जा रही हैं डेफिकेशन के लिए, तो ये आपके घर की इज्जत का सवाल है। अब तक क्या था, उनका एक एस्पेक्ट ही चल रहा था सोचने के लिए, लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया थ्रू देयर एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू दिस प्रोग्राम। तो उसके बाद क्या, हमने वहां टॉयलेट्स बना के दिए। पहले क्या होता था, टॉयलेट्स ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे, पहले थे लेकिन कुछ लोगों ने दुकान बना लेते थे, कुछ लोगों ने स्टोर बना लेते थे। लेकिन आज की डेट में जब उनके एटीट्यूड को चेंज किया गया है, तो वो चीज हमें ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे रिजल्ट दिखाती है। जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इसी चीज का, एटीट्यूड क्यों जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गर्ल्स को, फीमेल्स को क्या माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत इशू है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम हो रहा है, सेक्स रेशियो का भी इशू है। क्यों है, क्योंकि एटीट्यूड नेगेटिव है। मतलब कि फीमेल चाइल्ड को रिलेट किया जाता है किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, लायबिलिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, और मेल चाइल्ड को एज एन एसेट एसोसिएट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहां टारगेट किया, अगेन गवर्नमेंट ने अगेन टारगेट किया उनके कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे, टारगेट किया उनके बिलीफ सिस्टम पे, उनकी सोच पे, उनके एटीट्यूड पे। कैसे किया, कि लड़की जब पैदा हो रही है तो उसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे दो, लड़की की 5 साल की हुई तो फिर पैसे दे दिए, 10 साल की हुई तो फिर पैसे दे दिए, 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट करी फिर पैसे दे दिए, शादी हुई तो फिर पैसे दे दिए। तो क्या कर दिया, अब वो क्या करने के लिए, लायबिलिटी नहीं एसेट है। इस चीज की तरह से बार 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 मॉनेटरी बेनिफिट देने की वजह से जो चीज लायबिलिटी थी उनके दिमाग में, जिसका एटीट्यूड नेगेटिव था उनके दिमाग में, उसको चेंज किया। तो आपको एटीट्यूड पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे आप एटीट्यूड में चेंज ला सकें सामने वाले के, राइट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटीट्यूड मॉडल। अगर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इसमें दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड मॉडल। एटीट्यूड मॉडल में हमारे पास है कैब मॉडल, कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। अगर हम देख रहे हैं यहां, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, किसी भी चीज के बारे में आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं,
तो हम इसे क्या बोलते हैं, दिस इज द मेंटल कंपोनेंट, जो आपका बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में अबाउट एनीथिंग। जैसे अभी मैंने बोला अबाउट द फीमेल चाइल्ड, वो बिलीफ सिस्टम है जिसके बारे में उसने उसको लायबिलिटी बना रखा है। अब हमने क्या किया, उसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट को टारगेट किया, उस कॉग्निटिव एस्पेक्ट में जो मेंटल कंपोनेंट उसका लायबिलिटी था, हमने उसे एफेक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया, जिससे अगर ये चेंज होगा तो इसका जो एटीट्यूडनल बिहेवियर है वो भी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड या टुवर्ड्स द फीमेल चाइल्ड चेंज हो जाएगा। इसमें एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम, कि अगर आपके सामने शेर आया है ना, या आपसे अगर ऐसा बोला जाए कि आपको शेर के साथ, जो आप शेर को सोचते हो कैसा लगता है सुनके आपको, आपको डर लगता है, अच्छा फील होता है, या आपसे बोल दिया जाए आपको एक रात जो है वो केज के अंदर गुजारनी है शेर के साथ, तो आप ऑब्वियसली डरेंगे। जो आपका बिलीफ है, जो आपने पहले से नॉलेज मिल रखी है शेर के बारे में, वो कैसी है, वो नेगेटिव है कि अगर वो उसके साथ में रहा तो मुझे वो खा जाएगा, आई वुड बी डेड। तो इसलिए क्या है, वो नेगेटिव है। वो कौन सा कंपोनेंट है आपका, कॉग्निटिव कंपोनेंट है, उस चीज के बारे में जो आप सोचते हैं, जैसा आपका बिलीफ है ना, तो वो चीज डिसाइड कर रहा है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेंटल कंपोनेंट बोल रहे हैं। अब जैसे इफेक्टिव है, दूसरा जो इफेक्टिव है हमारे पास, इफेक्टिव में क्या होता है, ये इमोशनल कंपोनेंट होता है। इमोशनल कंपोनेंट में क्या होता है, इमोशनल कंपोनेंट के अंदर हमको ये देखना है कि आपका जो इमोशनल रिएक्शन निकल रहा है किसी भी चीज को देख के, जब आपने इमोशनल रिएक्ट किया, आप जैसे हम शेयर की बात कर रहा था, आपको केज के साथ आपको सोच के ही क्या लगा, नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट हुआ उस चीज की तरफ। सिमिलरली अगर शेर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, आपको डर लगेगा, तो आपका इमोशनल रिएक्शन है वो, कि आपको शेर को देख के डर लगा, वो क्या है, आपका इमोशनल रिएक्शन है। दिस इज आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आप सोचते हैं, और जब आपके सामने वो चीज आती है तो आप इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कौन डिसाइड करते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट डिसाइड करता है और इफेक्टिव एस्पेक्ट डिसाइड करता है। जो अगला है हमारे पास बिहेवियरल एस्पेक्ट, इसमें क्या है, दिस इज द एक्टिव कंपोनेंट या फिर एक्शन कंपोनेंट। शेयर के बारे में आपने सोचा, वो क्या है, आपको डर लगा, वो आपका बिलीफ था क्योंकि उसके बारे में, जब शेर सामने आ गया तो क्या हुआ, आपको ज्यादा डर लगा क्योंकि आपका इमोशनल रिएक्शन है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। अब एक्शन कंपोनेंट क्या है, अगर आपके सामने शेर आएगा तो आप खड़े तो नहीं रहेंगे, डरते तो नहीं रहेंगे, वहां आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू करेगा, आप वहां से भागेंगे, यू विल स्टार्ट टू द एफर्ट्स टू सेव योर लाइफ, राइट। तो वो क्या है, हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है, जिसे हम एक्शन कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स आर योर बिलीफ, जिस किस चीज के बारे में आप कैसा सोचते हैं। इफेक्टिव एस्पेक्ट्स आर कि आप इमोशनल रिएक्शन कैसा देते हैं उस चीज को। एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आर व्हाट, जिस चीज के बारे में अगर आपके सामने वो चीज आती है, कोई भी सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट, तो उस चीज के बारे में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट, फिजिकल रिएक्शन, दिस इज द इमोशनल रिएक्शन, दिस इज द फिजिकल रिएक्शन, एंड दीज आर द बिलीफ सिस्टम, जो आपके दिमाग में किसी चीज को लेके बैठे हुए हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं अदर देन लायन वाला, तो उसमें क्या है, अगर कोई बंदा है, उसे क्या लग रहा है, उसे लगता है हाइट से डर, उसे है एक्रोफोबिया। अब जब उसे आप हाइट की बात करेंगे, भाई हेलीकॉप्टर राइड करके आ या फिर बंजी जंपिंग कर, तो उसको क्या लगेगा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, हाइट से डरता है वो, तो उसको क्या लगेगा, उसका जो बिलीफ है वो नेगेटिव है उसकी तरफ, कि नहीं 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 भाई मैं नहीं कर सकता इस चीज को। नेक्स्ट इज हमारे पास इफेक्टिव, इफेक्टिव इमोशनल रिएक्शन है, अगर उसे हेलीकॉप्टर राइड पे लेके जाया जाए लिटरली, या फिर उसे किसी टेरिस पे, हाइट टॉल टेरिस पे खड़ा कर दिया जाए, तो वहां से क्या है, उसका डर निकलेगा, दैट वुड बी द इमोशनल रिएक्शन। और एक्शन, एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं उसे स्काई डाइविंग कराऊं या फिर बंजी जंपिंग कराऊं, तो वो ही'ल स्टार्ट क्राइंग, ही'ल स्टार्ट शाउटिंग, और या फिर वहां से भाग जाएगा, दैट विल बी द बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये तीनों चीजें मिलके आपका एटीट्यूड डिसाइड करती हैं किसी चीज को लेके, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपका इमोशनल रिएक्शन है, और ये आपका फिजिकल रिएक्शन है। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा पता चल जाता है किस चीज के बारे में हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, राइट। तो ये है हमारा कैब कंपोनेंट, इसको हम टैक्सी कैब मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सी कैब मॉडल। टैक्सी कैब मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट टेक्स यू वेयर यू वांट टू गो। जैसे आपको शेर से डर लगा तो आप वहां खड़े नहीं रहे, आपके दिमाग ने एक बिहेवियरल कंपोनेंट जो है आपके एटीट्यूड का, जो एक्टिव कंपोनेंट है, उसने आपको बोला कि भाग यहां से, या फिर जो इमोशनल कंपोनेंट है उसने क्या बोला कि ये डरना है, मतलब ऑब्वियसली कुछ ये सबकॉन्शियस होता है, कॉन्शियसली तो नहीं करता इस चीज को, लेकिन वो क्या है, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है, एटीट्यूड आपके अंदर है, आपका है, तो आपको उस चीज के सामने लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये जो एक्शन है इसमें, तो आप जो बोल रहे हो सकता है वो सच ना हो, आपके एटीट्यूड से मैच ना करता हो, लेकिन जिस तरीके से आप एक्ट करेंगे किसी चीज को देख के, दैट विल बी द ट्रू यू। और वो कौन डिसाइड करेगा, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो हमें दिखता है एटीट्यूड फॉर्मेशन के एटीट्यूड को फॉर्म कैसे किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके तरह हम एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं, एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं कि एटीट्यूड किस किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहला है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज लाइक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला एस्पेक्ट, कि अगर आपको पता है कि इस चीज को करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगा या किसी दूसरी चीज को करने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू डू समथिंग जो आपको रिवॉर्ड दे। आपको पता है कि इस चीज को करने से अगर आपने किसी की जान बचाई है ना, तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, आपको प्रेज किया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को मार दिया तो यू विल बी पनिश्ड, राइट? तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सामने वाले को बचाएं, क्योंकि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाले में हमें क्या बोलते हैं, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर किसको कहा जाता है, द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर को हम फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एस्पेक्ट्स। जो चीज आपके साथ बुरा करेगी आप उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, उसे करने से बचेंगे। जो चीज आपको रिवॉर्ड दे रही है या आपको प्रेजवर्दी बना रही है तो उस चीज की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, उसे करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। इसके लिए आप इस एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए केवल आप जिम्मेदार हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कैसा फॉर्म करते हैं। दूसरा है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग, इसे हम बोलते हैं पेवलोवियन कंडीशनिंग। पेवलोवियन कंडीशनिंग क्यों है ये, क्योंकि आईवी पेवलोव ने इसको दिया था। पेवलोवियन कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, कि हम दो एस्पेक्ट्स को, दो स्टिमुलस को कंसीडर करते हैं। जैसे आपको, बहुत लोगों को शायद ये चीज पता भी होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग वाली स्टोरी, जो पेवलोवियन कंडीशनिंग जिसे हम बोल रहे हैं, कि एक डॉग है और एक बेल है और फूड है। तो एक ऐसी चीज होती है कि जैसे ही हम बेल बजाते हैं एकदम से फूड सर्व कर दे रहे हैं डॉग को, और ये कंटिन्यूअसली जब बहुत दिनों तक चलता रहा तो डॉग के एस्पेक्ट, डॉग को क्या लगने लगा, डॉग का क्या एटीट्यूड बन गया, कि जैसे ही बेल रिंग हो रही है तो फूड सर्व किया जाएगा। तो जो उसका सलाइवेशन था, जो सेलिवेट करता था, वो तो फूड देख के नहीं, वो बेल की आवाज से ही करने लगा। मतलब उसका एटीट्यूड इज टुवर्ड्स द फूड, लेकिन पहले कि मुझे खाना मिलता है इसलिए मैं भाग के जाता हूं, बेल बजती है। लेकिन अब क्या है, अब उसे पता है बेल बजी है तो खाना भी मिलेगा, तो डायरेक्टली उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन, वैसे फूड से मतलब है उसको, लेकिन अब हमने किससे एसोसिएट कर दिया, इसे बेल से एसोसिएट कर दिया। तो उसको पता है कि भाई बेल बजी है, खाना मिलेगा। तो इस चीज को कैसे पता किया जाएगा, कि पहले बहुत दिन तक यह चलता रहा कि बेल देते थे, फूड दिखता था उसे, वो सेलिब्रेट करता था, बेल बजाते थे, वो आता था भाग के, फूड से फूड देखता था, सेलिब्रेट करता था। लेकिन कुछ टाइम पे क्या करना शुरू कर दिया हमने, बेल बजाई लेकिन फूड सर्व नहीं किया, लेकिन स्टिल उसका सलाइवा फॉर्मेशन होने लगा। जब हम, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जब हम टेस्टी चीज देखते हैं, राइट? तो उसे भी ऐसा लगेगा बेल बजी, अब खाना तो देंगे ही मेरे को। तो हमने क्या कर दिया, किसी एक चीज के लिए जो एटीट्यूड था उसको हमने दूसरे के लिए भी कर दिया, कि बेल बज रही है तो फूड आएगा एंड सेलिब्रेशन उसका स्टार्ट होगा। तो ये हम नॉर्मल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी एक चीज की तरफ एस्पेक्ट बदलने के लिए दूसरी चीज को उसके साथ, दूसरा स्टिमुलस ऐड कर सकते हैं। जो थर्ड है हमारे पास, सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन में क्या होता है, आप क्या है, जब आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट? हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से ही चलते रहना है। और हम जिंदगी में किसी ना किसी को आइडल की तरह देखते हैं कि ऐसा बनना है, और किसी को ऐसा देखते हैं कि भाई इसकी तरह तो नहीं बनना है। तो सोशल कंपैरिजन है कि इंसान सोसाइटी में रहने के बाद अपने आप को कंपेयर करता है विद डिफरेंट पीपल, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जैसा आपका सोशल ग्रुप है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जो बिंज ड्रंकर्स हैं या फिर बिंज स्मोकर्स हैं, है ना, तो आपके अंदर क्या है, कुछ दिन शायद आप अवॉइड कर पाओगे, लेकिन आपको क्या लगने लगेगा, यार ये तो कूल है ना, तो यू विल स्टार्ट डूइंग इट। तो आपको क्या है, उस चीज को क्या है, आपने सोशल कंपैरिजन किया कि मैं क्यों नहीं कर रहा। या फिर आपने कोई मूवी देखी, मूवी में जैसे केजीएफ देखी, केजीएफ में रॉकी जो था उसका जो मेन कैरेक्टर था वो क्या करता है, कंटिन्यूसली स्मोक करता है। तो उसके बाद से क्या हुआ, आपको लगने लगा स्मोकिंग इज कूल, तो आप भी स्मोक करना शुरू कर देंगे। तो वो सोशल कंपैरिजन है, टू लुक कूल यू विल स्टार्ट डूइंग इट। आपको, जबकि ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है कि उसके नुकसान क्या है, आपको पता है, बट जो सोशल प्रोस्पेरिटी या सोशल एक्सेप्टेंस होती है चीजों को देख के, आपको लगता है कि हाँ दिस विल लुक मच कूलर देन व्हाट आई एम टुडे, तो आप क्या करोगे, उस चीज को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। वो भी आपका एटीट्यूड क्या है, बना रहा है किसी चीज की तरफ। पहले शायद आपको सिगरेट ड्रिंकिंग से दिक्कत हो, लेकिन सोशल कंपैरिजन के चक्कर में, इवन आफ्टर नोइंग दी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट, यू विल स्टार्ट डूइंग इट। वो क्या है, सोशल कंपैरिजन। ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग जब आप एक दूसरे को देख रहे हो, स्पेशली अगर हम फैमिली में बात करें, अगर आपको पता है कि किसी आपके बड़े सिबलिंग की किसी चीज को करने पे पिटाई पड़ी है, पनिशमेंट मिला है उसे, तो आप क्या करोगे, आप छोटे हो तो आप उसको जज कर रहे हो कि नहीं ये नहीं करना है,
तो फिर आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए, नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसने कुछ अच्छी चीज करी है आपके बड़े सिबलिंग ने और आप उसको क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो आप क्या करोगे, हाँ ये अच्छी चीज है, उसकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, राइट। तो इस तरीके से ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये है थ्योरेटिकल पार्ट। अगर हम रियलिटी में देखें, अगर आप इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहें, तो हम क्या देखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होगा। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में सबसे फॉरमोस्ट है फैमिली। जैसे बोलते हैं ना, मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो जब आप फैमिली में होते हैं, फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं वो आपके किसी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डिसाइड करती हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। जैसे कुछ जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज, जहां स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती, तो उनके लिए क्या है, बचपन से उनका एस्पेक्ट जो है स्मोकिंग ड्रिंकिंग की तरफ वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी गांव के बच्चे की जिसने देखी है ये चीज, जो जैसा कर्सिंग की बात करते हैं, गालियां देने की बात करते हैं, या किसी अच्छी फैमिली में या किसी ऐसी सिस्टर फैमिली में बात करें स्मोकिंग ड्रिंकिंग या जो बैड हैबिट्स हैं ये सारी, तो कहीं कहीं ये चीजें क्या होती हैं, एक्सेप्टेड होती हैं। कल्चर पे भी डिपेंड करता है ये चीज दो। लेकिन फैमिली में अगर आपने बचपन से देखा है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग के सब अगेंस्ट हैं, एग्जैक्ट अगेंस्ट हैं कि नहीं करना है लाइफ में, तो आपका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। लेकिन आप किसी ऐसी फैमिली में जाएं जहां इसे कूल बनाता है या फिर इसे नॉर्मल मान रखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द कल्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, तो उसका एटीट्यूड जो होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए उतना नेगेटिव नहीं होगा एज कम्पेयर टू द गाय जिसके घर में उसे ये सिखाया गया है जे ये सब चीजें गलत है। तो फैमिली ये डिसाइड करिए। फैमिली आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स देती है आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबकी सहायता करनी चाहिए, अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, जो गरीब दिखे उसकी मदद करो, जो आपसे कमजोर है उसकी मदद करो। ये सब जो एटीट्यूड है चीजों को लेकर कौन बना रही है आपके आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। स्पेशली द पेरेंट्स, पेरेंट्स जो आप, क्योंकि सिंस द टाइम यू आर बॉर्न अंटिल योर फॉर्मेटिव ईयर्स, जो पेरेंट्स हैं वो आपको डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कैसे चलेगी। तो आपका जो एटीट्यूड फॉर्मेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी फैमिली पे, अगेन फ्रेंड्स एंड पीयर्स या फिर सोशल ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। आप किसी ना किसी सोशल ग्रुप के साथ जुड़े ही रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। ऐसा भी बोला जाता है यू आर द एवरेज पर्सन ऑफ, यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू लिव विद या यू इंटरेक्ट विद। तो वो चीज भी क्या कर रही है, आपके एटीट्यूड को फॉर्म कर रही है। आपके दोस्त कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो कैसी बातें करते हैं, ये सब भी आपका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डिसाइड करेंगे या चेंज करेंगे। किसी चीज के बारे में आपका नेगेटिव एटीट्यूड था तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, या पॉजिटिव जिस चीज के बारे में था तो उसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, फ्रेंड्स एंड पीयर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एटीट्यूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आर इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कैन बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैन बी दी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपको बताएंगे कि भाई जैसे आज की डेट में क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केओस है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हर कोई हर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए है कि आई एम द बेस्ट, आई नो द बेस्ट, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या मेरा रिलीजन बेटर है तुम्हारे रिलीजन से बेटर है ना। तो ये कहाँ, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट देते हैं बाकी अबाउट अदर रिलीजन, कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं सॉरी जो बाकी अगर आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर, आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी डिफरेंस दिख जाएगा कौन सा आपके फायदे का है कौन सा आपके नहीं है, है ना। तो वो भी क्या है, आपका एटीट्यूड डिसाइड कर रहा है टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स कि लाइफ को कैसे देखना है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाते हैं रिलीजन्स, और मैक्सिमम रिलीजन्स अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, वी ह्यूमंस मैनिपुलेट देम, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलीजन नॉट जस्ट वन। तो वो क्या है आपका इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके टीचर्स होते हैं वो आपको अलग अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। स्कूल लर्निंग इज मस्ट इसलिए हम बोलते हैं, आप वहां जाके जो चीजें सीख रहे हैं तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, कुछ आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। तो जो भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जो आपका टीचर का जो नजरिया है किसी तरफ के लिए, या आपके जो सहपाठी हैं, जो आपका सोशल ग्रुप है, बट बेसिकली जो आपके क्लासमेट्स है, किसी चीज का उनके बारे में जो एस्पेक्ट है सोचने का, उनका जो एटीट्यूड है वो आपके एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर, राइट। कल्चर इज लाइक नॉट दी ऑन अ लार्जर स्केल, बट किसी स्मॉलर स्केल में अगर आप कहीं जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर कल्चर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप किसी ऐसे कल्चर में रह रहे हैं, आप किसी रूरल बैकग्राउंड में रह रहे हैं, किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां गांव है, मवेशी हैं, आपने एक ऐसी लाइफ देखी है जो लिमिटेड है, कुछ चीजें वहां एक्सेप्टेड है कुछ चीजें नहीं है, और एक ऐसा बंदा है जो दिल्ली में रहकर डीपीएस आर के पुरम से पढ़ा है, उसने एक अलग जिंदगी देखी है एज कम्पेयर टू द गाय हु लिव्ड इन द विलेज। तो अब इनसे हम बोलेंगे भाई होमोफोबिया के बारे में आपका क्या नॉलेज है, तो ऑब्वियसली जो डीपीएस आर के पुरम वाला है इसके लिए ये चीज कॉमन है, शायद वो उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस मान ले, लेकिन वी आर स्टिल नॉट डेवलप्ड इनफ के जो रूरल बैकग्राउंड है हमारा वो उस चीज को एक्सेप्ट करे, वो अभी भी इस चीज से दूर ही भागेंगे। ये किसने डिफेंड किया, जो कल्चर, जिस कल्चर में वो जिए हैं, जिस जो चीजें उन्होंने अपने आसपास देखी हैं, इस वजह से उनका क्या है एटीट्यूड फॉर्म हुआ अबाउट डिफरेंट थिंग्स।
डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है उनकी जिंदगी में, उन्हें कुछ चीजें सही लगने लगी, कुछ चीजें गलत लगने लगी, और उनकी गलती नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कि वो जिस जगह रहे हैं वहां उन्होंने ऐसी ही लाइफ देखी है। सिमिलरली अगर मैं सिटी लाइफ की बात करूं, स्पेशली द मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें क्या है, आप जब वहां देखते हैं आपकी यहां लगे यहां की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, यहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका जो एटीट्यूड है अबाउट डिफरेंट थिंग्स वो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग है। कौन सी चीज आपने एक्सेप्टेंस कहां, कौन सी चीज यहां एक्सेप्टेड है, कौन सी एक्सेप्टेड नहीं है, वो चीज क्या डिसाइड करती है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करती है। सही या गलत नहीं जज करना, इसलिए बोलते ना इंसान को जज नहीं करना चाहिए, जो वो खुद है हमेशा, दैट्स नॉट द इंडिविजुअल, वो अपने जो आसपास जैसी उसने जिंदगी जी है उससे उसका एटीट्यूड फॉर्म हुआ है, हो सकता है वो चेंज हो जाए थ्रू डिफरेंट कंडीशनिंग्स, राइट। अब जो हमारे पास अगला है वो हम नेक्स्ट क्लास में, एटीट्यूड की सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, प्लीज कॉन्टेक्ट चहल अकेडमी इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस, थैंक यू सो मच।